हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज कुछ नई लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ हैं। सबसे पहली न्यूज़ आई है दोस्तों बिटफिनेक्स को लेकर के। वो अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म 2020 में स्टार्टिंग में लॉन्च करने जा रहा है। उसके बाद है ट्रॉन को लेकर के। जस्टिन सन ने ट्रॉन को पोलोनिक्स पर लिस्ट कराने के लिए ट्वीट किया है। इसके अलावा कुछ नई हार्डवेयर वॉलेट्स हैं जिनमें आप अपने उन्हें सिक्योर कर सकते हैं। और दो फॉर्मर सर्कल के जो CEO हैं उन्होंने क्रिप्टो ट्रेडिंग फर्म उसमें अभी फिलहाल ज्वाइनिंग कर ली है। उसके बाद दोस्तों, आप अपने डेबिट कार्ड के थ्रू भी वर्चुअल करेंसीज को आप खरीद सकते हैं और आने वाले टाइम में ये आपको सारी डिटेल में देता रहूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कॉइन मार्केट कैप। अभी फिलहाल आप चेक कर सकते हैं कि उसमें जो BTC का जो डोमिनेंस है वो आप देख सकते हैं, लगभग 66% है। और अभी फिलहाल $8,786 बिटकॉइन का रेट चल रहा है। अभी फिलहाल डाउनफॉल हुआ है लगभग 3-4 दिन के अंदर अंदर, लगभग $9,200-9,300 के आसपास बिटकॉइन पहुंच गया था। लेकिन अभी फिलहाल बिटकॉइन ने अभी फिर डाउनग्रेड वहां पर दिखा दी है। तो दोस्तों, जो बिग व्हेल्स हैं वो अपना खेल काफ़ी स्मार्टली खेल रहे हैं और धीरे धीरे लोगों से उनके बिटकॉइन जेब से निकालते चले जा रहे हैं। दोस्तों, आपको अपने बिटकॉइंस बचाने हैं अगर आपको इस फील्ड में ज़िंदा रहना है। और अगर आपको इस फील्ड में बिटकॉइन अगर आपने बचा लिए और आने वाले 5 या 10 साल के अंदर अगर आपने कुछ केवल 1-2 बिटकॉइन भी अगर आपने संभाल के रख लिए तो ये समझ लीजिए कि आपने बहुत ज़बरदस्त अपनी इनकम को बचा लिया है। अभी फ़िलहाल कुछ लोगों को नहीं पता है कि बिटकॉइन आने वाले टाइम में क्या करेगा, जो वर्चुअल करेंसीज़ हैं उनका फ्यूचर आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर जो इस क्रिप्टो फील्ड में पहले से हैं, लगभग 2010 से 2012 2015 के बाद भी अगर जिन लोगों ने स्टार्टिंग की है वो ज़रूर समझते हैं कि जो वर्चुअल करेंसीज हैं, जो क्रिप्टो स्पेस है, इंटरनेट के थ्रू बेशक काम करता है लेकिन इसमें क्या पावर है। ये जो डिजिटल एसेट्स हैं और ये डिजिटल एसेट्स इतना ज़बरदस्त ये प्लेटफॉर्म है। जिन लोगों ने अभी फ़िलहाल ये बिल्कुल स्टार्टिंग फेज़ उनका समझ लीजिए कि अगर आप उसमें अपने क्रिप्टो करेंसीज को बचा करके रख लेंगे, केवल उन्हें बचाना है आपको, आप अगर इकट्ठा नहीं भी कर पाए और धीरे धीरे आप समझिए, आप सोचिए कि किस स्ट्रेटजी के थ्रू आपको काम करना है, कैसे आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है जहाँ से आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिले। दोस्तों, बिटकॉइन की डोमिनेंस 66% के आसपास चल रही है, 72-73% ये चली गई थी जब बिटकॉइन लगभग $13,000 के आसपास चला गया था। लेकिन अभी फ़िलहाल धीरे धीरे बिटकॉइन का डोमिनेंस गिर रहा है। अगर बिटकॉइन का डोमिनेंस धीरे धीरे गिरता चला जाएगा तो वो जो पैसा है बिटकॉइन से निकल करके धीरे धीरे ऑल्ट कॉइन्स में आना स्टार्ट हो जाएगा और तब आपको ऑल्ट कॉइन्स में राइज देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये तो कुछ न्यूज़ थी कॉइन मार्केट कैप को लेकर के। अब हम फिलहाल बात कर लेते हैं जो लेटेस्ट न्यूज़ हैं। दोस्तों, सबसे पहली न्यूज़ निकल के आ रही है बिटफिनेक्स को लेकर के। और बिटफिनेक्स ने ये ऑफिशियली अनाउंस किया है कि 2020 के पहले 3 महीने के अंदर, यानी जनवरी, फरवरी और मार्च, पहले क्वार्टर के अंदर वो एक अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लेकर के आ रहे हैं। बिटफिनेक्स आप ज़रूर जानते होंगे, काफ़ी अच्छा ये एक्सचेंज है। दोस्तों, अगली न्यूज़ आ रही है जस्टिन सन को लेकर के। जस्टिन सन ने ये कन्फर्म किया है कि अभी फ़िलहाल वो पोलोनिक्स पे ट्रॉन कॉइन को लॉन्च कराने जा रहे हैं। पोलोनिक्स आप ज़रूर जानते होंगे, पोलोनिक्स और बिट्रेक्स, ये दो ऐसे एक्सचेंज थे जो अगर पिछले 3-4 सालों से जिन्होंने अभी फ़िलहाल क्रिप्टो स्पेस में कदम रखा है, मोस्टली 90-95% लोग अभी फ़िलहाल 1 से 1.5 साल के अंदर बिटकॉइन वर्चुअल करेंसीज को जानने लगे हैं। लेकिन उसके अलावा जिन लोगों ने उससे पहले अगर क्रिप्टो स्पेस में काम किया है वो बिट्रेक्स और पोलोनिक्स दोनों ये ऐसे एक्सचेंज रहे थे कि उन्हें काफ़ी ज़बरदस्त इन दोनों एक्सचेंज ने प्रॉफिट भी दिया है। और अभी फ़िलहाल बिट्रेक्स ने अपनी थोड़ी सी पॉलिसी चेंज भी की हैं और पोलोनिक्स ने भी वहाँ पर अपनी पॉलिसीज़ चेंज की हैं। तो अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उन्हें आपको वहाँ पर अपग्रेड कर देना है, जो भी आपकी वेरिफिकेशन वगैरह हो। और ट्रॉन कॉइन जस्टिन सन ने अनाउंस कर दिया है कि पोलोनिक्स पर लॉन्च होने जा रहा है। दोस्तों, अगली हम न्यूज़ की अगर हम बात करें तो अगली न्यूज़ निकल के आ रही है जो आपके जो वर्चुअल करेंसीज़ हैं, जैसे आपने ट्रेजर और लेजर, ये दो
ऐसे वॉलेट्स हैं जिसमें आप ऑफलाइन अपने जो वर्चुअल करेंसीज हैं उन्हें स्टोर करके रख सकते हैं, ये हार्डवेयर वॉलेट्स हैं। और एवरकॉइन नाम से एक ऑफिशियल कंपनी है, उसने भी अनाउंस किया है कि आप उसमें भी अपना जो वर्चुअल करेंसीज है उन्हें स्टोर कर सकते हैं, और उसकी जो साइज़ है वो केवल एक चाबी के बराबर, एक की होती है ना, एक की के बराबर उसकी एक लंबाई चौड़ाई होगी, और उसे आप आईफोन में और अपनी एंड्रॉयड डिवाइस में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात होगी, और अगर आप उसे अपने एंड्रॉयड डिवाइस में, वरना आपको अपना लैपटॉप या पीसी जो भी आप यूज़ करते हैं उसमें अपने हार्डवेयर वॉलेट्स को उसके साथ इंस्टॉल करके या उसके साथ मैच करके तब उसने सिक्योर करना पड़ता है। तो दोस्तों अगली जो खबर आ रही है वो आ रही है सर्कल के जो दो फॉर्मर CEOs थे उन्होंने फ़िलहाल अपना ट्रेडिंग जो फर्म है उसमें फ़िलहाल कदम रख दिया है। और दोस्तों अगली न्यूज़ आ रही है, अगली न्यूज़ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम आपको बता दें कि वीज़ा और मास्टर कार्ड आप सभी के पास ज़रूर होगा अगर आप इंडियन बैंक्स में डील करते हैं। ATM की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। वीज़ा और मास्टर कार्ड जो दोनों कंपनी है फॉरेनर कंपनी है और काफ़ी बड़े स्केल पर ये दोनों काम करती हैं, और आप इन दोनों के थ्रू ही अभी फ़िलहाल लगभग 10 वर्चुअल करेंसीज हैं, और ये जो डेबिट कार्ड्स हैं वीज़ा के और मास्टर कार्ड के, दोनों डेबिट कार्ड के थ्रू आप यहाँ पर वर्चुअल करेंसीज को यहाँ पर ख़रीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है अगर इस तरह की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो इस फील्ड में धीरे धीरे कदम रखने जा रही हैं। और आपको पता ही होगा फेसबुक का जो कॉइन है लिब्रा, उसमें ये दोनों की दोनों कंपनीज़ हैं, उन्होंने भी भागीदारी की है, लेकिन एक कंपनी ने बेशक वहाँ से हट गई है, लेकिन उन्हें पता है कि आने वाला टाइम वर्चुअल करेंसीज़ का है, जो इस फील्ड में अभी फ़िलहाल अपनी पकड़ पहले बना लेगा उसे आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। दोस्तों अगली हम बात कर लेते हैं वो हैं सतोशी नाकामोतो। ज़रूर जानते होंगे बिटकॉइन के ये जनक कहे जाते हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि ये जो पर्सन है ये थे कौन, कहाँ से हैं, किस कंट्री से हैं। अंदाज़ा बेशक लगाया जाता है, कोई कहता है कि ये चाइना से हैं और कोई कहता है जापान से हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल इसका पुख्ता सबूत किसी को नहीं मिल पाया है। दोस्तों सतोशी नाकामोतो ने 2008 के अंदर एक वाइट पेपर वहाँ पर हेलोवेन में एक लॉन्च किया था, और उसमें इस तरह की एक डिज़ाइन उन्होंने तैयार किया था कि किस तरह से बिटकॉइन वहाँ पर काम करेगा, वहाँ से माइनिंग होगी, लोगों को उसका प्रॉफिट शेयरिंग होगा। तो फिलहाल कई लोगों ने यहाँ पर दावा भी किया है, और अभी फ़िलहाल ये कहीं से भी ये कन्फर्म नहीं हुआ कि सतोशी नाकामोतो है कौन, और आने वाले टाइम में भी इस तरह के जो दावे हैं वो होते चले जाएंगे, लेकिन जब तक ये कन्फर्म नहीं हो जाता ऑफिशियली तब तक अनेक तरह के इस तरह के दावे लोग करते भी रहेंगे। तो दोस्तों ये फ़िलहाल कुछ न्यूज़ थी, न्यूज़ आपको अच्छी लगे, चैनल आपने पहली बार देखा है तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन पे आपको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जो भी कोई लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ होती है क्रिप्टो से रिलेटेड, MLM से रिलेटेड, वो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है। मिलता हूँ मैं कल फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक हैव ए गुड डे।